अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम लोग ये बात करेंगे कि जो क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स है उसमें वाइडर टॉपिक्स क्या हैं, और कोर्स शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम समझें कि क्रिएटिव राइटिंग है क्या, और आमिना और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर्स हम लोग इसको किस तरह से लेते हैं। और क्रिएटिव राइटिंग और एक बिज़नेस राइटिंग का भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा है, क्योंकि वो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा जब आप क्रिएटिव राइटिंग की असाइनमेंट्स करेंगे या अपने क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे। आमिना, आप क्रिएटिव राइटिंग को कैसे लेती हैं? मेरे लिए क्रिएटिव राइटिंग जो है वो बेसिकली एक कोई भी राइटिंग जिसमें एक ओरिजिनल थॉट कैप्चर हो रही हो, आपकी इमेजिनेशन कैप्चर हो रही हो, सेल्फ एक्सप्रेशन कैप्चर हो रहा हो, जो आपके बेसिकली ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो आप कितने क्रिएटिवली, कितने मज़े में, कितने जिद्दत के साथ उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो जो है मेरे लिए क्रिएटिव राइटिंग होती है। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपके ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आप रोज़मर्रा जिन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, उसको आप कितने मज़े में, कितने क्रिएटिवली, कितने इनोवेशन के साथ जो है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अल्फाज के जो जोड़ तोड़ है उसको आप किस तरह करते हैं, वो मेरे लिए क्रिएटिव राइटिंग है। आई एम श्योर यू हैव समथिंग टू ऐड टू दिस। हाँ, आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, जैसे आपने कहा कि किसी कहानी को आप क्रिएटिवली एड्रेस करते हैं या कैप्चर करते हैं, और हो सकता है कहानियाँ सिमिलर हों, द सेम थिंग मे हैव हैपन टू द टू ऑफ अस, लेकिन हर बंदा उसको देखता डिफरेंट तरह है, उसको एक्सपीरियंस डिफरेंटली करता है, उसको लिखता डिफरेंटली है, उसका अल्फाज का चुनाव, उसका एंगल क्या ले रहा है, उसको पर्सनल एंगल से ले रहा है या पॉलिटिकल एंगल ले रहा है या कौन सा एंगल ले रहा है। तो आई थिंक उसमें इतनी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक ही कहानी को कैसे कवर किया जाता है। आई थिंक दैट क्रिएट्स द ब्यूटी। और बिल्डिंग ब्लॉक्स सबके पास सेम है, लेकिन हर बंदा उनको पुट टुगेदर डिफरेंटली करता है, और उससे एक हर एक नई तख्लीक सामने आती है। वो जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी जो डाइवर्सिटी है हम लोगों की, इंसान की जो एक डाइवर्सिटी, उसी में खूबसूरती आती है। वी वर टॉकिंग अर्लियर, तो यू वर सेइंग कि ब्यूटी है एक क्रिएटिविटी में। सो आई थिंक दैट सेल्फ एक्सप्रेशन, द वर्ड सेल्फ इन द एक्सप्रेशन एक्चुअली ब्रिंग्स अ क्रिएटिव क्रिएटिविटी इन द राइटिंग, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, उसके बारे में आगे जाके भी बात होगी। तो वो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। और मेरे ख्याल में इसको लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं कि ये एक अलग एंटिटी है, जिसकी वजह से एक पूरा ये स्कूल ऑफ थॉट भी है, पढ़ाया भी जा रहा है एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, और इसमें जो जॉब अवेलेबिलिटीज हैं वो बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल ऐसे। आपका क्या ख्याल है कि जॉब की डिमांड की वजह से क्रिएटिव राइटिंग आई है, या क्रिएटिव राइटिंग की वजह से जॉब्स बन रही है? आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है और इंटरनेट की इतनी सारी, अब पहले तो ये होता था कि दो चार गिनती के अखबार हैं और अगर आप लिखना चाह रहे हैं आप उसके लिए लिखेंगे, अब इतनी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके लिए उनको राइटर्स चाहिए। तो लोगों को एक तो प्रैक्टिस भी करने को मिल रही है कि वो फेसबुक पे लिख रहे हैं या ट्विटर पे लिख रहे हैं, अपने आप को कैसे उन्होंने कंसाइज तरीके से एक्सप्रेस करना है। और बिकॉज ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स आर देयर एंड ऑल दिस इंटरनेट एक्सप्लोजन इज़ देयर, तो उसकी नीड भी बढ़ती जा रही है। आई थिंक ये जो इंटरनेट की हमने बात की ना, तो दिस होल कंप्यूटर ओरिएंटेशन जो हम डिजिटाइज करते जा रहे हैं अपने काम को, तो बिजनेस राइटिंग में भी आई थिंक नाउ इट्स बिकमिंग एन आर्ट इन इटसेल्फ। मतलब पहले तो बिजनेस राइटिंग होता था टू कम्युनिकेट, टू सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्म पीपल, टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट, या एक आप खतो किताबत जो है कम्युनिकेशन जो चल रही होती थी कि भाई ये काम हो रहा है इसको ऐसे है, या मैं करना चाहता हूँ, इजाजतें लेनी पड़ती थी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वो भी कंप्यूटराइज होने की वजह से अब आप ईमेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आई थिंक रिपोर्ट राइटिंग भी काफ़ी इस्तेमाल होती है, प्रेजेंटेशंस इस्तेमाल होती हैं। तो व्हाट डू यू फील कि बिजनेस राइटिंग जो है वो एक फील्ड भी बन गई है, विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन, तो हाउ डू यू इसमें देखिए बिजनेस राइटिंग को, उसका नाम तो बिजनेस राइटिंग है क्योंकि आप काम से रिलेटेड उसमें कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, लेकिन इट्स नॉट फॉर अ सर्टन काइंड ऑफ पीपल ओनली। बिजनेस राइटिंग सबके लिए, अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं, आपने कोई अपना असाइनमेंट लेनी है, आपने नेगोशिएट करना है, आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे जैसे आमिना ने कहा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये स्किल्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बिजनेस राइटिंग इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल वर्किंग इन अ 9 to 5 ऑफिस, बल्कि ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ईमेल्स जैसे आपने कहा, वो तो हर शख्स को लिखनी है और बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं आजकल, तो उसके लिए फिर ये एक असेंशियल है, बिल्कुल बेसिक स्किल है। तब यहाँ पे एक थोड़ी सी बहस की बात करते हैं कि व्हाट्सएप और SMS जो है या बिजनेस राइटिंग में आता है या ये सोशलाइजिंग में आता है या ये अबिट ऑफ बोथ हो गया है। देखिए हर चीज़ जब हम लिखते हैं, तो हमने ये पहले भी ये बात हम हो सकता है आपस में कर रहे थे कि
آڈینس کو آپ نے دماغ میں رکھنا ہے. تو واٹس ایپ میسج اگر میں آپ کو کر رہی ہوں تو وہ ہو سکتا ہے میں بے تکلف کر لوں, لیکن اس میں ٹرکی ہے کیونکہ جب آپ کسی اپنے کالیگ کو کر رہے ہیں جس سے آپ کا بے تکلفی کا رشتہ نہیں ہے, یو مائٹ تھنک کہ چلو واٹس ایپ ہے میں کچھ بھی لکھ لوں, لیکن اس میں آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے کس وقت آپ وہ چھوٹی چھوٹی ایبریویٹڈ اسپیلنگس لکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے مینیجر کو لکھنا ہے وہ ریچیبل نہیں ہے ای میل پہ, اگر آپ واٹس ایپ کر کے کہہ رہے ہیں میں آج بیمار ہوں میں نہیں آ سکتی, سو یو ہیو ٹو بی فارمل ان دیٹ آلسو. تو اس کے بھی باقاعدہ آداب اور ایٹیکیٹ ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ جو آئی تھنک سم تھنگ دیٹ وی آر سورٹ آف لرننگ از کہ کریٹیو رائٹنگ کا فارمیٹ جو ہے وہ ٹول جو بھی استعمال ہو رہا ہو, چاہے وہ آپ ڈیجیٹل کر رہے ہو یا کاغذ پہ لکھ رہے ہو, اسی طرح بزنس رائٹنگ کا ٹول جو بھی استعمال کر رہے ہو, جو بیسکلی اپروچ ہے اور فارمیٹ ہے وہاں سے ہم یہ دو چیزیں جو ہے ڈسٹنکٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے. جو اب آگے ہم سیکھنے جا رہے ہیں دا تھنگس دیٹ ویل بی لرننگ تھرو دا کریٹیو رائٹنگ کورس, اس میں آبویسلی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا جو پورا ایسپیکٹ ہے وہ کیا کیا ہے, کریٹیو رائٹنگ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کون سے فارمیٹس ہیں, کون سے ٹولز ہیں. اصل میں رائٹنگ جو ہے نا بیسز وہ نہیں بدلتی مگر ٹولز بدلتے رہتے ہیں. اب ان ٹولز کے ساتھ آپ کو رائٹنگ اپنی اڈیپٹ کرنی پڑے گی, اس کو بدلنا پڑے گا. تو آپ کس طرح اس کو اڈیپٹ کریں گے؟ ایک رائٹنگ کا پروسیس چاہے وہ کریٹیو رائٹنگ ہو چاہے وہ بزنس رائٹنگ کا ایکسپریشن ہو, وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے جو یہ کورس آپ کریں گے اس میں آپ کریٹیولی اگر لکھنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ فکشن کے لیے ہو نان فکشن کے لیے ہو آن لائن میڈیا کے لیے ہو مین اسٹریم میڈیا کے لیے ہو یا کتابوں کے لیے ہو رپورٹس کے لیے ہو, وہ ہم کیسے لکھیں گے. اور اسی طرح اگر آپ بزنس رائٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو ایکسپریشن دینا ہے انفارمیشن دینی ہے اس کو آپ کیسے لکھیں گے, تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ لکھنا کیسے ہے, بیسس کیا ہے, فارمیٹ کیا ہوتا ہے, اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, لفظوں کو جوڑ کے جملوں کو جوڑ کے کیسے ہم نے آگے لکھنا ہے, تاکہ اگر ٹولز بدلتے بھی چلے جائیں جو کہ بدلتے رہیں گے آتے ہوئے بدلتے رہیں گے, آپ کی بیسس اسٹرانگ ہوگی اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے ان ٹولز کے لیے کیسے اڈیپٹ کرنا ہے. Any final words? بس وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ یو آف آن دا جرنی اور ان شاء اللہ پھر آپ اس کو آگے لے کے چلیں اور آپ اس کو اپنی لرننگ کو کنٹینیو رکھیں تاکہ آپ کی کریٹیو رائٹنگ میں اور سے اور زیادہ پالش آتی جائے. تھینک یو.